अब दिनेश शर्मा जी डिप्टी सीएम हमारे साथ जुड़िए। दिनेश जी, एक बड़ा फैसला लिया गया है आज के दिन, तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए। हालांकि प्रधानमंत्री ये भी कहते हुए नजर आए कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, बड़े फैसले के बाद किसान अब खुश होंगे, एक राहत के सांस लेंगे। दिनेश जी, देखिए जो भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, हमारा जो मंतव्य है वो कृषि और किसान के हितों पर आधारित हमारी सारी नीतियां संचालित हो रही हैं जी। और हम किसी भी प्रकार का किसानों को कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा जो उनके हित से संबंधित ना हो। इसलिए हमने जितने भी कानून चाहे बनाए हों, चाहे हमने जितने भी कार्य किए हों, चाहे उनको सम्मान राशि भेजी हो, चाहे खाद की उपलब्धता कराई हो, चाहे हमने कोई भी कार्य किए हों, आप देखोगे बजट का प्रावधान भी भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा कृषि पर आधारित जो हित लाभ है उनको देखते हुए किया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सरकार किसान समर्थक सरकार है और कोई भी ऐसा काम जो है हम हमेशा करते आए हैं जिससे किसानों की आमदनी में वृद्धि हो। बिल्कुल दिनेश जी, क्योंकि मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो मंडी में पहुंचे हुए हैं और जो एक्चुअल किसान उनसे बातचीत कर रहे हैं, जो छोटे किसान हैं उनको ज्यादा पता ही नहीं है बिल का। जब उनसे पूछा गया कि एक बड़ा फैसला लिया गया है, बिलों को रद्द कर दिया गया है, तो ज्यादा कुछ वो बोल नहीं पाए, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं देखिए, कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनके अपने हित लाभ हैं जी, और वो किसानों के बीच में बिचौलिया बन के अभी तक का कुछ राजनीतिक दलों के प्रमुख लोग काम करते रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जो किसान का हित है वो सर्वोपरि है, ये सरकार की जो नीति आई है उसके इसमें तमाम दलों के हित जो है वो प्रभावित हुए थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन भी किया था। आज मुझे खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री ने इन सारे लोगों के मंतव्यों को समझा है, और जाहिर सी बात है सरकार किसानों के हित में कार्य करती आई है और करती रहेगी, उससे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होगा। बिल्कुल दिनेश जी, बार बार सरकार की तरफ से कहा गया हम बातचीत करेंगे, हम आपको समझाएंगे बिलों को, क्योंकि समझ ही कुछ किसान नहीं पा रहे थे, लेकिन आखिरकार बिलों को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में किसान राहत के सांस लेंगे, क्या लगता है आपको कि कुछ किसान समझ ही नहीं पाए इसकी वजह से रद्द करना पड़ा? नहीं देखिए, कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो दुष्प्रचार में महारत हासिल रखते हैं जी, और कोई भी काम जो सरकार राष्ट्र के हित में करती है उसका वो विरोध करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के लोगों का सहारा लेके और विभिन्न प्रकार के दुष्प्रचारों में संलग्न हो जाते हैं जी। हेलो जी 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 दिनेश जी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये प्रभाव दूसरे दलों का था जिसकी वजह से किसानों को बरगलाया जा रहा था, लेकिन मैं किसान कह रहा हूँ कि दूसरे दल के लोग अच्छी चीज को दुष्प्रचारित करने का क्रम बनाए हुए हैं, उससे उनको बचना। लेकिन दिनेश जी, अभी भी आप मान रहे हैं कि किसानों के हित में ये बिल था? नहीं, जाहिर सी बात है कि किसानों के हित में भी बिल था, और जो भी भविष्य में भी बीजेपी की सरकार करेगी वो भी किसानों के हित में करेगी। सर, कब तक कमेटी बना दी जाएगी इसको लेकर? नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए हैं इस संदर्भ में, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जो भी निर्णय होगा सरकार लेगी भविष्य। बिल्कुल सर, आज देव दीपावली भी है और इसी के साथ सिखों का बहुत बड़ा पर्व भी है, ऐसे में ये एक बड़ा फैसला लिया गया। जाहिर सी बात है कि किसान के हित चिंतन में जो भी निर्णय जब जब भी होंगे वो सरकार लेती रहेगी। ठीक है सर, शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।